जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी की विसंगतियां, एक्स ग्रुप की विसंगतियां, प्रीमेचर की विसंगतियां और ऑनरी रैंक की विसंगतियां, एमएसपी पर विसंगतियां, इन सभी विसंगतियों को लेकर एयरफोर्स मुख्यालय ने जबरदस्त खबर दी है। बताने ओआरओपी 2 टेबल में 100% संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। ये प्रस्ताव 4 संशोधन पर किया गया है, ओआरओपी 2, एमएसपी, एक्स ग्रुप और ऑनरी रैंक, चारों प्रस्ताव भेजे गए हैं। और बता दें ये एमओडी, सीजीडीए, पीसीडीए को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। ये जानकारी दी है एयरफोर्स मुख्यालय की तरफ से आई है। और बता दें ये जानकारी तब आई है जब एयरफोर्स के एक एनजीओ ने इसकी जानकारी मांगी थी और उनसे कहा था कि इस पॉइंट को रेज किया जाए, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हैं जैसे कि ओआरओपी में विसंगतियां, एक्स ग्रुप को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना, एमएससीपी को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना और एमएसपी को भी ना देना और 2 कैटेगरी में डिवाइड करना। तो इन सभी पॉइंटों का उन्होंने जवाब दिया है। आप देख सकते हैं ये लेटर जारी हुआ है, वायुसेना मुख्यालय एयर हेडक्वार्टर वायुसेना भवन की तरफ से है। बता दें 28 अप्रैल 2023 का लेटर है। ये लेटर एक एनसीओ को भेजा गया है। एनसीओ को जो लेटर दिया है, एनसीओ ने 4 पॉइंट उठाने के लिए कहा था, वो पॉइंट उठाए गए हैं एयरफोर्स हेडक्वार्टर की तरफ से। ओआरओपी 2 एनालाइज एंड द फॉल आउट्स, इसमें जो ओआरओपी 2 में एनालाइज हुई है, विसंगतियां आई हैं और उसके बारे में जो पॉइंट निकल कर आए हैं उसके बारे में ये लेटर भेजा गया है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कहा गया है, डियर सर प्लीज रेफर योर ऑफिस लेटर 21 फरवरी 2023, एड्रेस सीडीएस को लिखा गया था, सीओएस को लिखा गया था, जो एनसीओ थे उन्होंने लिखा था कि इन पॉइंटों पर सेना भवन की तरफ से, जो वायुसेना मुख्यालय है उसकी तरफ से पॉइंट आउट किया जाए पीसीडीए को, सीजीडीए को। तो वो पॉइंट आउट के लिए उन्होंने लेटर का जवाब दिया है और क्या क्या पॉइंट रेस किए हैं और कौन कौन से पॉइंट पर विसंगतियों को जो हेडक्वार्टर एयर हेडक्वार्टर के लेटर हैं उसके हिसाब से कहा गया है। सबसे पहले तो बता दें जो पॉइंट उठाए गए हैं, द इशू हाईलाइट बाय यू इन द लेटर आर वेल अप्रिशिएटेड एंड आर एक्नॉलेज एज जेन्युइन कंसर्न विद नीड रिड्रेसल, यानी कि जो आपके पॉइंट है एकदम जेन्युइन है और अप्रिशिएट करने लायक है, इनको आगे रिड्रेसल फॉरवर्ड किया गया है। एट द आउटसेट I would like to assume you and the large ex-servicemen committee, बहुत सारी ex-servicemen committee है, that the ex-servicemen service headquarter is seized of the numbers grievance, बहुत सारी grievance आ रही है related to ORP 2 से संबंधित बहुत सारी anomaly संबंधित grievance आई हुई है। This headquarter taking appropriate action, और ये हेडक्वार्टर अप्रिशिएट एक्शन ले रहा है इस पर टू टेक अप और आगे फॉरवर्ड कर रहा है ऑल द रिलेवेंट बर्निंग इशू, ऐसे सभी इशू पर जो आप लोगों ने उठाए हैं उसको आगे टेक अप कर रहा है। ओआरओपी 2 विद द कंसर्न एजेंसी फॉर सुटेबल एंड टाइमली रिजोल्यूशन, कंसर्न एजेंसी को उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि एयर हेडक्वार्टर के जो लेटर है उसके हिसाब से ओआरओपी 2 एक्स ग्रुप की पे प्रीमेचर कई तरह के मुद्दे हैं जो कि उसमें विसंगतियां पैदा की गई हैं और ये विसंगतियां लेटर को नजरअंदाज किया गया है। अब आप देखेंगे जो विसंगतियां जिन जिन पॉइंटों को आगे रेस किया गया है वो भी बताएंगे। एज यू आर वेल अवेयर ओआरओपी 2 हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय एमओडी डीएसडब्ल्यू 20 जनवरी 2023 को एमओडी द्वारा एक ओआरओपी 2 का जो लेटर जारी हुआ था, सर्कुलर जारी हुआ था, द मेजर इशू दैट impeding the process in resolution, बहुत सारे point raise हुए हैं और CGDA को matter को दे दिया गया है। इसमें कहा गया है relevant issue raised by you have been revised and comments have been offered in the succeeding paragraph, उसको offer succeed कर दिया गया है, आगे भेज दिया गया है। resolution analyzed in 7 CPC matrix table number 7 और 8 की जो 7 CPC टेबल बनाई गई है इसमें भी विसंगतियां हैं और इसको भी रेस कर दिया गया है। टेबल नंबर 7-8 में जो भी विसंगतियां आई हैं, अब वो पॉइंट देखते हैं जो जो पॉइंट रेस किए गए हैं एयर हेडक्वार्टर के द्वारा। एनसीओज ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्री 2016 और पोस्ट 2016 में डिवाइड कर दिया गया है एक्स ग्रुप को।
इसको भी लेकर कहा गया है देयर इज नो एक्सप्रेस रीजन फॉर हैविंग दिस डिस्टिंक्शन इन द वारूपी टू टेबल्स। इसमें कोई ऐसी नहीं बनती है कि आप प्री और पोस्ट में डिवाइड करें, लॉजिकली कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं बनता है। लॉजिकली देयर गुड देयर शुड हैव बीन वन टेबल, और इसके लिए वन टेबल नहीं वन टेबल एक टेबल बनाने के लिए इसका पॉइंट आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसमें कहा गया प्री 2016 रिटायरी को भी वही पे मिलनी चाहिए जो कि पोस्ट 2016 के लिए मिल रही है। दो द इशू हैज बीन टेकन अप विद द एमओटी फॉर रिसोल्यूशन, इस इशू को सॉल्व करने के लिए एमओटी के पास इसका लेटर भेज दिया गया है एयर हेडक्वार्टर मुख्यालय के द्वारा। अब इसमें एक दूसरा कहा गया है रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ऑनरी रैंक। ऑनरी रैंक के लिए भी कहा गया है कि ऑनरी रैंक को भी आप ऑनरी रैंक तो दे देते हैं, लेकिन उनको ऑनरी रैंक का जो बेनिफिट होना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। और इसमें एक लेटर है, उस लेटर को भी उन्होंने लगाया है और उसमें कहा है कि उस लेटर के हिसाब से ऑनरी रैंक का फुल बेनिफिट आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद सातवां पॉइंट है डिस्पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फिटमैन फैक्टर को भी कहा गया है कि फिटमैन फैक्टर जो एमओडी ने अप्रूव किया है उसके द्वारा उसके हिसाब से मिलना चाहिए, ना कि अलग से आपको अलग कर दिया जाए। ऑफिसर जेसीओ ओआर का एक फिटमैन फैक्टर होना चाहिए, तो इसके बारे में भी पॉइंट रेज किया गया है एयर हेडक्वार्टर के द्वारा। इसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ एमएसपी केस को भी इक्वलाइजेशन करने के लिए इसमें कहा गया है द एमएसपी हैज बीन फैक्टर्ड इन द पेंशन का फैक्टर है एमएसपी व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ ड्राइंग अप द ओआरओपी टू टेबल्स एज द डाटा ऑफ पेंशन रिलेटिंग टू 2018 जो 2018 के करंट रिटायरी है उसके हिसाब से एमएसपी को देना चाहिए, ना कि एमएसपी को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जो पहले जो रिटायर हुए हैं 2016 से पहले उनको 2000 का एमएसपी का लाभ दिया जा रहा है, और जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनको 5200 रुपए का लाभ दिया जा रहा है, इसके बारे में इसमें कहा गया है। लेकिन इक्वल एमएसपी के बारे में पॉइंट नहीं आउट किया गया है। इसमें यह कहा गया है सेपरेट टेबल फॉर एक्स ग्रुप पर्सनल हैव बीन रेफर्ड टू डीएसडब्ल्यू एमओडी, एक सेपरेट टेबल बनाने के लिए कहा गया है कि डीएसडब्ल्यू और एमओडी को कि सेपरेट टेबल बना के उनकी इस विसंगत को दूर किया जाए। एक्स ग्रुप को दो कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि उनके पास जो सर्टिफिकेट मिलती है वो सबके लिए एक जैसी है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, तो आप दो कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।